यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताई न्यूक्लियर सीक्रेट, इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग, यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया पुतिन का न्यूक्लियर प्लान। बेलारूस क्रीमिया का इस्तेमाल न्यूक्लियर हमले के लिए कर सकता है रूस, यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट का दावा। रूसी एटमी प्लान पर एक्सप्लोसिव दावा है ये। क्रीमिया में हो सकती है परमाणु उकसावे की कार्रवाई, ये बड़ी खबर है। प्रोवोकेशन ये कहा जा रहा है। बेलारूस में हो सकती है परमाणु उकसावे की कार्रवाई, प्रोवोकेशन, यानी वहां से पुतिन इसके जरिए शुरू कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉर। सोचिए, यूक्रेन के पास पुतिन के एटमी प्लान का सीक्रेट इनपुट है, पुतिन के न्यूक्लियर प्लान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है रूस पर। सीरियल अटैक के बीच यूक्रेन ने जताई आशंका, यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय में इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट का यह दावा है। इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के प्रेस अधिकारी आंद्री युवसोव का यह दावा, फ्रीडम टीवी उसका यह सोर्स है। सबके बीच में बड़ी खबर आ रही है, पुतिन ने तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान से बातचीत की, इस वक्त की बड़ी खबर, लेटेस्ट न्यूज है ये। पहले से ब्रेकिंग, पुतिन ने पीस टॉक के लिए तैयार होने की बात कही। बातचीत में पुतिन ने शांति वार्ता के लिए शर्तें भी रखी हैं। रूस के कब्जा इलाकों को कीव को मानना होगा, पुतिन ने यह कहा है। नाउ विद द विजुअल्स, ये बड़ी खबर है। एर्दोगान से पुतिन ने कहा कि हम शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तों पर। जो इलाके कब्जा किए जा चुके हैं वो हमारे ही होंगे। सोचिए, पुतिन ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पुतिन का कहना है कि यूक्रेन हाथ से निकल चुका है, उनके पास बफर जोन होना चाहिए। जरा चेंज करें इसको यहां पर। अब पुतिन की जिरकॉन ऑन नेटो से, पुतिन की जिरकॉन ऑन नेटो से एटमी घमासान, ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन के एक के बाद एक तीन हमले कर रूस को जख्म दिया है, तो पुतिन ने भी युद्ध में अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। कीव के हमलों से बौखलाए पुतिन ने नेटो और पश्चिमी देशों को अपनी हाइपरसोनिक पावर दिखाकर टेंशन में डाल दिया है। पुतिन की हाइपरसोनिक पावर जिरकॉन एटलांटिक में तैनाती है, किंजल बेलारूस बॉम्बर में तैनाती है, एवेनगार्ड 8 RS-18 ए साइलो में लोड है। सोचिए बाप,